हेलो फ्रेंड्स। तो आज के सेशन में हम लर्न करेंगे कि लेटेक्स में मैथमेटिकल कंटेंट कैसे लिखें। मैथमेटिकल कंटेंट्स मीन्स मैथमेटिकल सिंबल्स, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, मैथमेटिकल इक्वेशन एंड बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रीक्स एंड हेब्रू लेटर्स से। ये क्या होते हैं आप गूगल में सिंपली सर्च करके देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ शो किया हुआ है, यहाँ भी बहुत सारे स्टेप से लेटर हैं। तो मैथमेटिक्स में बहुत सारे स्टेप के सिंबल्स का काम पड़ते रहता है हमें कैलकुलेशन के लिए। ओके, तो हम वन बाय वन देखते हैं। जैसे कुछ में एग्जांपल, अल्फा, बेटा, काई, डेल्टा, एप्साइलन, एटा, लेमड़ा, कप्पा, साई, रो, सिग्मा, टाउ, थीटा, अप्साइलन, जाई, जीटा, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, गामा, डेल्टा, सिग्मा। तो इन सारे को क्या कमांड हम यूज करेंगे कि ये यहाँ पे हम लेटेक्स में लिख सके। लिए मैं वन बाय वन शो करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं शो करता हूँ कि अल्फा आप कैसे लिखेंगे। अल्फा लिखना होगा तो आप बैक स्लैश अल्फा ऐसे लिख के और इंटर कर देंगे, और इसके बाद आप क्या क्लिक करेंगे इस कंपाइल एंड रन को। ठीक है, तो वहां पे अल्फा अपियर हो जाएगा। ओके, सेकेंड में एज्यूम करिए कुछ लिखना चाह रहा हूँ, बीटा। ठीक है, तो बैक स्लैश बीटा। ओके, आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपका अल्फा अपियर हो गया है। ठीक है, इसको मैं जूम कर दे रहा हूँ, होपफुली ये आपको विजिबल होगा। यहाँ पे आप देखिए ए अल्फा अपियर हो गया। अगर आप चाहते हैं कि एक कमांड भी साथ में शो हो, ठीक है, तो आप इसके बाद क्या लिख सकते हैं या इसके पहले लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे कॉलन देके लिख दीजिए। एक वर्ब कमांड होता है VERB। ठीक है, VERB। ओके, इसके अंदर आप कंटेंट को लिख सकते हैं। ओके, मैंने कंटेंट को उसके अंदर डाल दिया। तो ये क्या करेगा, एक कमांड को रीड नहीं करेगा, एज इट अल्फा जो यहाँ पे लिखा हुआ वही शो कर देगा इसके सामने। ठीक है, मैं आपको शो कर दूं। यहाँ पे देखिए जो कमांड मैंने लिखा था ये आपको शो कर दिया। इससे क्या होगा कि आपको कमांड्स को समझने में या लर्न करने में हेल्प मिलेगा कि हमने कौन सा कमांड किसके लिए यूज किया था। तो हम बीटा के लिए क्या यूज कर रहे थे, ए बैक स्लैश बीटा। तो आप यहाँ पे बैक स्लैश बीटा लिख सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे इसको बार बार नहीं लिखूंगा, कॉपी पेस्ट कर लूंगा ताकि मुझे जब जरूरत हो मैं इसको यूज कर सकूं। ठीक है, नेक्स्ट हम लर्न करते हैं कि डेल्टा कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको लिखना होगा बैक स्लैश डेल्टा। आप लिखेंगे यहाँ पे पॉपअप में अपियर हो जाएगा, ये लिखेंगे। आपको लिखना होगा एप्साइलन, तो क्या लिखेंगे, बैक स्लैश एप्साइलन। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे लिख के आप कंपाइल एंड रन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये सारे एक लाइन में आ गया। तो अगर आप नेक्स्ट लाइन में करना चाहते हैं तो नेक्स्ट लाइन का कमांड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि आपको साथ में कमांड भी दिख जाए ताकि आपके प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगा। तो मैं इसको यहां से कॉपी करके और बीटा की जगह पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहां से क्या होगा कि आप यहाँ पे पीडीएफ में देख सकते हैं कि किसके लिए मैंने क्या कमांड यूज किया हुआ। तो सिमिलर वे में आप भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इवन दो आप कॉपी पेस्ट के बदले लिख भी सकते हैं एप्साइलन, तो वो अपियर हो जाएगा, अपियर हो गया। ठीक है, तो अब इस वे में आप देखेंगे कि इसको रन करने के बाद इसके जस्ट बगल में वो चीज अपियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट मैं लिखना चाह रहा हूँ काई। ठीक है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, बैक स्लैश CHI। ठीक है, तो यहाँ पे अपियर हो गया। अब इसके सामने आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको कंपाइल एंड रन करिए। कंपाइल एंड रन करने पे आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये देख रहे होंगे आपका काई अपियर हो गया। तो इस वे में आप मैथमेटिकल स्ट्रक्चर कर सकते हैं। और क्विकली लर्न करना हो तो आप वीडियो को पॉज कर करके और मेरे साथ इनका प्रैक्टिस करते जाएगा, इससे आपको हेल्प मिलेगा समझने में चीजों को। अगर कोई भी और भी सिंबल हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या चाहिए, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप बता सकते हैं। सपोज जैसे आप ईटा लिखना चाहते हैं तो सीधे लिखिए ईटा। ओके, ETA। इसके बाद इसको अच्छा, ये उसमें मैथमेटिक्स है ना, तो मैथमेटिकल कंटेंट कभी भी आएगा तो आपके डबल डॉलर के बीच में ही आएगा। अगर डबल डॉलर के बीच में नहीं आ रहा है इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया इसको बैक स्लैश ईटा। ओके, ठीक है, यहाँ पे लिखना था मुझे काई ना, ये लग गया बैक स्लैश, मैंने लिख दिया CHI। ठीक है, ये जस्ट आपको कमांड शो करने के लिए मैंने किसके लिए क्या कमांड यूज किया हुआ है ताकि आप पीडीएफ में यहाँ पे साइड बाई साइड दिखते जा रहा है। ओके, नेक्स्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ आयोटा आप कैसे लिखेंगे। एक तो आप आई से भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में दिखे तो आप आयोटा को इस कमांड के हेल्प से लिखेंगे। ठीक है, इसके लिए जो पैकेज जरूरत है वो है आपका एमएस मैथ, एमएस सिंबल। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि मैंने कहां पे वो पैकेज, अगर वो पैकेज नहीं रहेगा तो ये आपको एरर शो करेगा।
वो पैकेज देख सकते हैं आप टॉप में। मैंने यहाँ पे एमएस मैथ लिया हुआ है, एमएस फॉन्ट लिया हुआ है एंड एमएस थ्योरम लिया हुआ है। तो इस टाइप से आप ले सकते हैं इस पैकेज को। ग्राफिक्स लिया हुआ है ताकि स्टाइलिश आए इसके लिए, तो ग्राफिक्स जैसे हम सिंबल कलर बहुत सारे इस टाइप के यूज करते हैं ना, तो उसके लिए। ओके, आप समझिए, सोचिए कप्पा लिखना चाह रहे हैं, तो सिंपली कमांड देंगे KAPPA कप्पा। ओके, तो यहाँ पर मैं इसका शो कर दे रहा हूँ, यहीं से इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, ये सही रहेगा। ठीक है, आपको कोई और भी चीज चाहिए आप बता देना, जैसा ये आप लोगों का डिमांड आया था तो मैं सोचा मैथमेटिकल का प्रिपेयर ही कर देता हूँ। ठीक है, आप कुछ लिखना चाहते मान लीजिए लेमडा, तो बैक स्लैश लेमडा लिखिएगा, LAMBA ऑप्शन आ गया आपका। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं लेमड़ा, बैक स्लैश लेम। ओके, तो ये बाकी कमांड्स मैं बाद में इनको कर दूंगा, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और मैं शॉर्ट में आपको फटाफट लिख के दिखाता जाता हूँ कि आप कैसे। अगर मान लीजिए आप म्यू लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो म्यू के लिए क्या कमांड देंगे, बैक स्लैश MU। ठीक है, ए आ गया। सोचिए कि आप कुछ लिखना चाहते हैं, न्यू लिखना चाहते हैं, तो बैक स्लैश NU यूज करेंगे। ठीक है, आप सोचिए कुछ ओमेगा लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो बैक स्लैश क्या यूज करेंगे, OMEGA। ठीक है, ओमेगा। और अगर आप फाइल लिखना चाहते हैं तो बैक स्लैश PHI। ठीक है, यहाँ पे आपको पॉपअप में शो कर देगा। ओके, अगर आप पाई लिखना चाहते हैं तो बैक स्लैश PI। अच्छा, मैं इसको आपको रन करके दिखा दे रहा हूँ, ये सारे शो करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने जो सिंबल यूज किया है उनके लिए क्या कमांड यूज किया है। ठीक है, ये डॉलर जहां पे नहीं लगाया आप डॉलर लगा लेंगे कमांड में, क्योंकि बिना डॉलर के रन नहीं करेगा। तो जस्ट मैंने कमांड शो किया हुआ कि इस टाइप से आप मैथमेटिकल कॉन्टेंट लिख सकते हैं। कुछ और चलिए शो करते हैं। अगर शाई लिखना होगा तब क्या लिखेंगे, बैक स्लैश PSI। ठीक है, अगर आपको लिखना होगा रो तब क्या लिखेंगे, बैक स्लैश RHO। ओके, सपोज यू वॉन्ट टू राइट सिग्मा, देन यू हैव टू राइट बैक स्लैश सिग्मा, बैक स्लैश SIGMA। ओके, एंड सपोज यू वॉन्ट टू राइट टाउ, ओके, देन यू हैव टू राइट बैक स्लैश टाउ, बैक स्लैश TAU। ओके, एंड सपोज यू वॉन्ट टू राइट थीटा, देन यू हैव टू राइट जस्ट बैक स्लैश THETA, थीटा। ओके, सपोज यू वॉन्ट टू राइट एप्साइलन, ओके, देन यू विल यूज बैक स्लैश UPA एप्साइलन, आई एम यूजिंग जस्ट एप्साइलन। ओके, सपोज यू वॉन्ट टू राइट जाई, देन यू विल राइट जस्ट XI। ओके, एज्यूम करिए आप कुछ जेटा लिखना चाहते हैं तो बैक क्या लिखेंगे, बैक स्लैश JDTA। ओके, ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सारे सिंबल्स जो भी था मैंने इनके साइड बाई साइड कमांड भी लिख दिया है। तो आप वीडियो को पॉज करके और या तो स्क्रीनशॉट लेके या फिर आप ये इसको नोट डाउन करके और इनका कमांड साइड में लिखा हुआ तो आप ये अपने सिस्टम पे रन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और देखते हैं जो आपके लिए नेसेसरी हो। डेल्टा लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, बैक स्लैश डेल्टा, ओके, कैपिटल D से होता है डेल्टा, स्मॉल से भी लिख सकते हैं, स्मॉल से दूसरा वाला डेल्टा आ जाएगा। ओके, और सपोज करिए आप लिखना चाहते हैं गामा, ठीक है, तो कैपिटल GAMM, कैपिटल गामा। सपोज आप कुछ लिखना चाहते हैं ओमेगा, ठीक है, तो आप लिखेंगे बैक स्लैश ओमेगा। ओके, ओमेगा दो है, एक स्मॉल ओमेगा है एक कैपिटल ओमेगा है, तो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आप दोनों में से जो भी होगा, सभी में ऐसे ही है, आप गामा में भी ऐसे ले सकते हैं, डेल्टा में भी ले सकते हैं, कैपिटल और स्मॉल। ओके, और फाइव हमने पहले यूज किया था, अब कैपिटल फाइव यूज करके आपको शो करता हूँ कि क्या आएगा, पीछे वीडियो करके देख सकते हैं। पहले स्मॉल फाइव लिया था, अब कैपिटल फाइव लेता हूँ। ठीक है, तो आपको जैसा रिक्वायर्ड होगा स्मॉल फाइव वाला सिंबल शो करता हूँ। देखिए स्मॉल फाइव में इस टाइप से है और इसको रन करेंगे तो कुछ दूसरे टाइप से दिखेगा। किस टाइप से दिखेगा, यहाँ पे भी मैं रन किया हूँ, आप देख सकते हैं इसमें जो फाइव बनेगा उसके ऊपर नीचे जिसे यहाँ पे करली टाइप पे है, ठीक है, वहां करली नहीं रहेगा, बिल्कुल सीधा रहेगा। और ये देखिए ये फाइव यहाँ पे बन गया ना, ये बिल्कुल सीधा है। तो इस टाइप से आपका जैसा रिक्वायर्ड होगा आप उस टाइप में यूज कर सकते हैं। ओके, और समझिए हमें प्रोडक्ट वाला यूज करना है तो प्रोडक्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, बैक स्लैश कैपिटल PI। ओके, इसे आप प्रोडक्ट वाला सिंबल ला सकते हैं। आप कैपिटल वहां पे स्मॉल साई हमने यूज किया था, आप कैपिटल साई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप थोड़ा देर रन करने के बाद देखेंगे, सिग्मा एक छोटा वाला था, कैपिटल सिग्मा लिखेंगे तो समेशन वाला सिंबल आ जाएगा हमारा। ठीक है, जैसे हमें सिग्मा का भी काम पड़ता है ना। ओके, और एक वो स्मॉल थीटा यूज किया था, अगर हम कैपिटल थीटा यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए कैपिटल T यूज करेंगे, TH
ये कैपिटल थीटा आ गया। इसी तरह कुछ और कैपिटल जाई हम यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कैपिटल कमांड यूज करेंगे कैपिटल एक्स आई। ओके, फिर हम कुछ अलिफ नोट अलिफ यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो बैक स्लैश अलिफ हम ये लिख लेंगे, ठीक है, ए एल ई अलिफ नोट आपके रियल में अकाउंटेबिलिटी वाले सेक्शन में काम पड़ता है। सपोज डेट आप चाहते हैं अलिफ नोट जो कार्डिनलिटी बताता है काउंटेबल नंबर का, ठीक है, नेचुरल नंबर का कार्डिनलिटी क्या होता है, अलिफ नोट होता है, तो उस चीज को अगर आप लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अलिफ अंडरस्कोर और आप अंडरस्कोर अंदर में लिखेंगे अंडरस्कोर फिर यहाँ पे जीरो लिख देंगे, ठीक है, तो ये आपका अलिफ नोट शो कर देगा। ओके, इसी तरह आप मान लीजिए कुछ कुछ शो करना चाहते हैं अपना समेशन वाला सिंबल, तो आप उसके लिए बैक स्लैश सम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सारे अब जो आपके सिंबल्स हैं मतलब समेशन इंटीग्रेशन इस टाइप का, तो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में मिसलेनियस सिंबल्स में, ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या और हम यूज कर सकते हैं, इनको हम रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। ओके, तो इसके लिए क्या करना होगा, सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना बिल्ड एंड व्यू। ओके, तो यहाँ पे रन हो गया है, आप देख रहे होंगे कंपाइल होने के बाद हमने जितने सिंबल यूज किए थे सबका यहाँ पे विद नेम आ गया है कि किसके लिए हम क्या, अच्छा यहाँ पे हमने नहीं किया था इसमें कर ले रहे हैं, इसमें क्या था बैक स्लैश सम। ओके, तो जैसे एक तो प्रोडक्ट के लिए हम पाई वाला फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक प्रोडक्ट के लिए और भी कमांड है उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं, बैक स्लैश पी आर ओ डी लिख सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे देख रहे मैंने पाई लिखा तो ये भी ये पाई का कैपिटल फॉर्म दिया जो प्रोडक्ट जैसा दिखता है, तो आई होप ये सारे सिंबल्स आपके लिए यूजफुल होंगे, ठीक है, तो अब हम कुछ और स्ट्रक्चर देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में मिसलेनियस सिंबल में कुछ करते हैं। ओके, तो इसमें हम कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे हमें समेशन लिखना हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने ये शो किया था इस समेशन को मैं इसमें डाल दे रहा हूँ। ओके, अब आपको मान लो प्रोडक्ट लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, बैक स्लैश पी आर ओ डी। ओके, मैनुअल टाइप करने के बजाय आप सेलेक्ट करेंगे तो डबल डॉलर ऑटोमेटिकली अपियर हो जाएगा। अगर आप प्रोडक्ट में मिनिमम टू मैक्सिमम यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ए वाला सिलेक्ट करेंगे सेकेंड थिंग, इसको मान लीजिए मैं मिनिमम कहा एक्स इक्वल टू जीरो यहां से कहां तक लेना चाह रहा हूं, इन्फिनिटी तक लेना चाह रहा हूं, ठीक है, तो उसके लिए क्या लिखूंगा, आई एन एफ इन्फिनिटी, ठीक है, तो ए आपका दे देगा पहला वाला, ए वाला तो सिंपल प्रोडक्ट का सिंबल देगा बट लिमिट के साथ देगा, मीन्स एक्स इक्वल टू जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक हम सम निकाल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप मान लीजिए कि ये प्रोडक्ट का उल्टा यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या कमांड यूज करेंगे, बैक स्लैश को प्रोड, ठीक है, तो ए वाला क्या दे देगा, इसका उल्टा दे देगा। ओके, नेक्स्ट आप यूज करना चाहते हैं समझिए इंटीग्रेशन, ठीक है, तो इंटीग्रेशन के लिए क्या यूज करेंगे, बैक स्लैश आई एन टी। ओके, तो ए आपका इंटीग्रेशन दे देगा। अगर आप इंटीग्रेशन में लिमिट भी पुट करना चाहते हैं तो बैक स्लैश इंटीग्रेशन के साथ ये सेकंड वाला आप सिलेक्ट कर लेंगे, तो इसमें मिनिमम मान लीजिए एक्स इक्वल टू मैंने जीरो से कहां तक ले लिया, आप लिमिट सेट कर सकते हैं एक्स इक्वल टू वन तक, इस टाइप का आपको कॉन्टेंट लिखना हो तो आप ए इंटीग्रेशन। आप मान लीजिए इंटीग्रेशन में होता है ना कि एक क्लोज्ड जो इंटीग्रल क्लोज सरफेस हम करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, यूज करेंगे आप बैक स्लैश आई एन टी, ठीक है, और इसमें जैसे इंटीग्रेशन के लिए था आप इसके पहले ओ लगा दीजिएगा, ठीक है, ओ लगा देंगे तो ओ इंट बन जाएगा ए वाला। हाँ, तो जैसे मैंने बताया ये इंटीग्रेशन सिंबल हम लोग इस टाइप से लगाते हैं, तो इस चीज के लिए आप ए वाला कमांड यूज करेंगे, ठीक है, तो मैंने सारा कमांड नोट डाउन कर दिया, एक बार इसको कंपाइल एंड रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है, तो यहाँ पे सारे कमांड्स आपके अपियर हो जाएंगे, ठीक है, तो साइड बाय साइड मैंने कमांड नोट किया हुआ, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप साथ के साथ प्रैक्टिस कर लेना, तो आप देख सकते हैं कि आप जिस टाइप का कमांड यूज करना चाहते हैं, समेशन के लिए, प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट विद लिमिट, और ए उल्टा वाला प्रोडक्ट वाला सिंबल, ए इंटीग्रेशन के लिए सिंपल, ए इंटीग्रेशन कहाँ जीरो टू वन के लिए, और एक क्लोज इंटीग्रेशन, इस टाइप का अगर हो तो आप एक सिंबल्स यूज कर सकते हैं। ओके, अज्यूम करिए कि आप कुछ ही का डबल इंटीग्रेशन लिखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे आई फिर आई एन टी लिखेंगे, ठीक है, तो ए आपका डबल इंटीग्रेशन दे देगा। अब आप समझिए कि यूनियन का सिंबल यूज करना चाहते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, ये मैथमेटिकल में नहीं आया, हमें लिखना होगा आई आई एन टी। ओके, कोई बात नहीं, अगर ये मैथमेटिकल में नहीं आ रहा तो आपको ये मैथमेटिकल सिंबल्स के अंदर लिखना है, तो आपको डबल डॉलर के बीच में लिखना होगा। ओके, नेक्स्ट हमें मान लीजिए यूनियन का सिंबल लिखना है, तो क्या लिखेंगे, बिग कप, ठीक है, बिग कप लिखेंगे,
ये क्या करेगा, उल्टा जो इंटरसेक्शन वाला दे देगा। अगर आप यूनियन वाला लेना चाहते हैं तो अच्छा बिग कप यूनियन वाला देगा और बिग कैप इंटरसेक्शन वाला देगा, ठीक है। बिग कैप एक्चुअली ये थोड़ा सा आपको यूज करते करते याद हो जाएगा, तो बिग कप मतलब कप जैसा बनेगा, तो यूनियन और कैप मतलब कैप कहाँ ऊपर होता है ना, इस टाइप से। अब मान लीजिए कि हमें एक अब्स्ट्रैक्ट में, चाहे आप कंप्यूटर वगैरह यूज करते होंगे तो बहुत बार इस टाइप से लिख के दिखाना पड़ता है, प्लस लिख के और इसके ऐसे गोला कर दिया, ठीक है, या फिर क्रॉस लिख के ऐसे कर दिया, या फिर डॉट लिख के कर दिया, तो इनके लिए क्या सिंबल यूज करेंगे मैं आपको शो करता हूं। जैसा नाम है बस उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है। तो अगर हम प्लस लिख के और सर्कल बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, बैक स्लैश बिग फिर ओ फिर प्लस, ठीक है। अब इसी तरह अगर मल्टीप्लीकेशन के लिए करना चाहते हैं, मल्टीप्लीकेशन के लिए सिंपली हम यूज करते हैं बैक स्लैश टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया बैक स्लैश टाइम्स, तो आपको दे देगा कि प्रोडक्ट वाला क्रॉस का सिंबल। अगर इस पे हम गोला चाहते हैं तो बिग ओ लिख देंगे इसके कमांड के पहले, जैसे मैंने लिख दिया बिग ओ टाइम्स, इसमें आ जाएगा, आ गया, इसको मैंने इंटर कर दिया। इसी तरह अगर मैं डॉट के चाह बाहर एक गोला लगाना चाह रहा था तो सीधे लिखूंगा बिग बिग ओ डॉट, बिगो डॉट आ गया, ठीक है। इनको कंपाइल एंड रन करके मैं शो कर दे रहा हूं कैसे अपियर होंगे। यहाँ पे कंपाइल एंड रन करने के बाद आप देख सकते हैं कंपाइल हो रहा है। ये देखिए, ये डबल इंटीग्रेशन के लिए यूज किया था हमने, ए यूनियन के लिए, ए इंटरसेक्शन के लिए, प्लस के बाहर मल्टीप्लीकेशन का, मल्टीप्लीकेशन के बाहर सर्कल, डॉट के बाहर सर्कल। तो ये कुछ चीज था जो आपको आपके पेपर राइटिंग में या आर्टिकल राइटिंग जो भी हो, प्रोजेक्ट वगैरह प्रिपेयर करेंगे तो वहां पे इनका काम पड़ेगा, ठीक है। तो इनको और थोड़ा सा मैं इक्वेशन वाला तो आज नहीं हो पाएगा, तो कुछ नेसेसरी चीजें मैं आपको बाइनरी या रिलेशन वाले इसमें फोर्थ वाला करवा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर नेक्स्ट आपको जरूरत होगा तो आप बताना, मैं बाकी चीजों को भी करवा दूंगा, ठीक है। समझिए, आप स्टार लगाना चाह रहे थे बैक, उसके लिए क्या कमांड यूज करेंगे, ए एस टी, तो ये आपको स्टार दे देगा। अगर आप थोड़ा सा बोल्ड स्टार यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तब उसके लिए क्या लिखेंगे, बैक स्लैश ए स्टार, ठीक, सॉरी स्टार ए एस एस टी, ओके ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार और ए थोड़ा बोल्ड स्टार, ठीक है। तो इस टाइप से आप, अगर आप मान लीजिए एक सिंपल डॉट यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या कमांड देंगे, बैक स्लैश सी डॉट, ठीक है, सी डॉट आप दे देंगे कमांड, ओके। अगर आप एक छोटा सा सर्कल बनाना चाहते हैं तो बैक स्लैश क्या देंगे, सर्कल, सी सॉरी सी आई आर सी, सी आई आर सी आ गया पहला, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा भी हिंट याद है ना, तो ये आपको हिंट दे देता है टेक्स्ट स्टूडियो, ठीक है। अगर आप बुलेट बनाना चाहते हैं, मतलब बोल्ड टाइप का डॉट, तो उसके लिए आप यूज करेंगे बुलेट, बी यू डब्ल्यू एल ई टी, ओके। अगर आप और क्या बचा आपका, अगर आप मान लीजिए बड़ा सा सर्कल बनाना चाहते हैं, ये छोटा सा सर्कल बनाया था ना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, बड़ा सा सर्कल के लिए बिग सर्कल लिखेंगे आप, ठीक है, बी आई जी सी आई आर सी, ठीक है। इसको टाइम टू टाइम आप कंपाइल एंड रन भी करते रहें ताकि आपको डिफरेंस दिखेगा कि क्या चेंजेज होते जा रहे हैं, ओके। फिर आप ये जूम करिए कि डायमंड बनाना चाह रहे हैं, डायमंड का शेप बनाना चाह रहे हैं, तब क्या यूज करेंगे, बैक स्लैश डायमंड, डी आई ए एम ओ, बैक स्लैश डायमंड, ओके। ये जूम करिए, आप कुछ डिवीजन का सिंबल देना चाह रहे हैं, तब क्या लिखेंगे, डी आई वी, ठीक है। तो ये डिवीजन का सिंबल अपीयर वहां पे प्रिंट कर देगा। और आप क्या देना चाह रहे हैं, मान लीजिए इक्विवेलेंट का सिंबल देना चाह रहे हैं आप, ठीक है, इक्विवेलेंट का सिंबल देना चाह रहे हैं, मतलब जो थ्री लाइंस होता है ना, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, बैक स्लैश ई क्यू यू आई वी, ठीक है, ये आपका बैक उसका दे देगा। मैं यहां से नेक्स्ट लाइन का कमांड दे रहा हूं ताकि आपको पता चलते जाए कि मैं कहां कहां चेंजेस कर रहा हूं, ओके। आपको एज्यूम करिए, यहाँ पे देखिए कंपाइल एंड रन करने के बाद सारे सिंबल्स अपीयर हो जाएंगे, मैंने कोमा देके सेपरेट कर दिया हुआ है, सबसे लास्ट में इक्विवेलेंट और डिवीजन वाला लिखा था, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं ये नेक्स्ट लाइन में न्यू लाइन का कमांड दे दिया। आप सोचिए कंग्रुएंस का यूज करना चाहते, तो कंग्रुएंस के लिए आप क्या कमांड यूज करेंगे, सीओ एन जी, सीओ एन जी, ओके, एक सेकेंड, सीओ एन जी, कंग्रुएंस का ये होगा, डबल डॉलर के बीच में लिखना, अदरवाइज यही रहता है। आप सोचिए कि नन इक्वलिटी का यूज करना चाहते हैं, तो नन इक्वलिटी के लिए क्या यूज करेंगे, बैक स्लैश एन ई क्यू, ठीक है। और नेक्स्ट आप अगर सिमिलर का कंसेप्ट यूज करना चाहते हैं तो क्या यूज करेंगे, बैक स्लैश एस आई एम, ठीक है, ए सिमिलर का सिंबल अपियर कर देगा। अगर आप इक्वल और उसके मीन्स इस टाइप का सिंबल लिखना चाहते हैं,
ए और इसके ऊपर ए चीज, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए यहां पे मैं लिख दे रहा हूं बैक स्लैश एस आई सिमिलर फिर इक्वलिटी, एस आई एम सिमिलर एंड इक्वलिटी, ये कमांड इसके लिए यूज करेंगे, ठीक है। अगर आप कुछ प्रोपोर्शनल लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कमांड यूज करेंगे, बैक स्लैश प्रोपोटो PRO, आपको दो लाइन भी याद है ना, तो बाकी ये हिंट दे देगा, ठीक है। दो लेटर भी याद है आपके कमांड का, तो ठीक है। और इस तरह मान लीजिए कि एक इक्वल के ऊपर ट्रेंगल का होता है ना, जैसे एक ट्रेंगल बनाते हैं उसके ऊपर एक उसके नीचे इक्वल का होता है, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, बैक स्लैश ट्रेंगल TRIAL। अच्छा, ट्रेंगल के लिए आप सिंपली ट्रेंगल लिख देंगे, और ट्रेंगल के नीचे इक्वल देना चाह रहे हैं तो ट्रेंगल EQ लगा देंगे, ठीक है, TRIAN GLE ट्रेंगल, ट्रेंगल ट्रेंगल EQ, TRIAN GLE। इसको मैथमेटिकल में कर दे रहे हैं, अदरवाइज ये इरर शो करेगा। तो मैथमेटिक्स में करने के लिए क्या करेंगे, डबल डॉलर इंसर्ट कर देंगे। इसको कंपाइलर रन करके देखते हैं, क्योंकि ये सिंबल तो दिखा नहीं रहा था, तो शायद पैकेज की जो पैकेज हमने MS यूज किया है ना, तो MS में लगभग सारे ही हैं, तो मेरा माइक टेक्स अपडेटेड नहीं होगा, तो इसलिए शायद ये इस टाइप का शो कर रहा है, तभी इरर नहीं आएगा, तो हम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज इसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि इस ट्रेंगल को तो रीड कर लिया, ट्रेंगल के नीचे इक्वलिटी वाला रीड नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। बट ये आपके सिस्टम में रन करेगा, अगर आप कोई और कंपाइलर या अपडेटेड वर्जन यूज कर रहे हैं तो इसको मैं कमेंट यूज कर दे रहा हूं। ओके, आप सोचिए कि इक्वल के ऊपर एक छोटा सा सर्कल देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, बैक स्लैश CIRC इसके बाद इक्वल का कमांड देंगे। अच्छा, ये भी नहीं ले रहा, इसका मतलब लग रहा है मुझे अपडेट करना पड़ेगा, तो इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूं, आप इसको अपने सिस्टम में रन कर लेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट मान लीजिए प्रोपोर्शनल का हो ही गया, और हाँ देयर फॉर और सिंस हमारा बहुत आता है बिकॉज, ठीक है, तो देयर फॉर के लिए आप क्या यूज करेंगे, बैक स्लैश देयर फॉर, ठीक है, TRIAFORE देयर फॉर, ओके। एक्चुअली रेड रेड दिखा रहा है, इसको एक बार हम लोग रन करके देखते हैं, देयर फॉर में भी एरर दे रहा है, तो आप अपना माइक टेक्स अपडेट कर लीजिएगा, मैं इस पे कमेंट लगा दे रहा हूं क्योंकि इसको रीड नहीं कर रहा है, तो देयर फॉर का कमांड आपका यही होता है, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक आप देख लीजिएगा कि आप स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे हैं, तो इसी वे में तभी बिकॉज भी रीड नहीं करेगा, क्योंकि बिकॉज भी उसी का पोर्शन है, फिर भी मैं आपको एक बार रन करके दिखा दे रहा हूँ, बिकॉज नहीं ले रहा ना, ठीक है, बिकॉज मतलब वो चूकी वाला जो होता है ना, थ्री डॉट्स, ठीक है, तो थ्री डॉट्स वाला अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप क्या कमांड यूज करेंगे, बिकॉज, ठीक है, तो इसको भी मैं कमेंट कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरा सिस्टम रीड नहीं करेगा इसको, मेरा अपडेटेड है। ओके, तो एक कुछ हो गया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दिया, और बहुत सारे सिंबल है, इतने सिंबल है कि आपके खत्म नहीं होंगे, तो आपको अगर कोई रिक्वायर्ड लगता है कि ये चीज मुझे चाहिए तो आप बता देना, मैं कर दूंगा। अगर आप प्लस माइनस दोनों एक साथ चाहते हैं तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, बैक स्लैश PM, ठीक है, तो क्या करेगा, प्लस माइनस दोनों सिंबल, अगर आपको टेस्टिंग करने का मन हो ना, तो आप बैक स्लैश PM यहाँ पे कुछ और भी दे रहा है, ठीक है, तो आप ये चीज यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई सिंबल मान लीजिए मैंने R लिख दिया, ठीक है। अच्छा, मैथ में हमारा स्पेशल स्ट्रक्चर बहुत यूज होता है, जैसे R को सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए हम थोड़ा सा एक दूसरे टाइप का R दिखाते हैं, ठीक है, तो मैं वो आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, देखिए बोल्ड में R कर दिया, थोड़ा सा स्टाइलिश हो गया, तो मैं आपको वो R दिखा दे रहा हूँ, वो सब R हम कैसे लिखते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, बैक स्लैश मोड बैक स्लैश BB ऐसे लिखना होगा, ठीक है, बैक स्लैश मैथ BB, मैथ BB, ओके। अब इसमें आप R लिखेंगे तो सेट ऑफ रियल नंबर शो कर देगा, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूं, और R के हम लोग फिर क्या पढ़ते हैं, Z पढ़ते हैं ना, तो फिर Z लिखते हैं, Z क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, आप इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर्स के बाद हमारा क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो R की जगह मैं N कर दे रहा हूं, फिर हमारा क्या होता है, इस तरह जो भी सेट होते हैं ना, अब मैंने क्यू ले लिया, क्यू क्या होता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है, तो आप इस टाइप से कुछ भी डिनोट करना चाहते हैं तो आप इसको इन सिंबल्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो रन करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है, तो बाकी कुछ भी कोई और भी चाहिए तो आप बिना हेजिटेट किए हुए डायरेक्टली
कमेंट कर सकते हैं या मेरे को मैसेज कर सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट प्रिपेयर कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये सारे आपके जो सेट्स थे अपियर हो गए हैं, ठीक है। इसमें एक और स्टाइल होता है एएमएस का, शायद इसमें इसको एक और स्ट्रक्चर में शो करता है, और मैथ बीबी यहाँ पे देखिए मैंने इनके लिए ये डिफाइंड कर रखा है, तो मुझे मैथ बीबी आर यूज नहीं करना, डायरेक्टली मैं बैक स्लैश आर लिख के भी यूज कर सकता हूँ। तो इसको भी मैं शो कर दे रहा हूँ, 21वें में शो करेंगे, इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, और इसमें मैं कमेंट कर दिया, और इसी में कोमा देकर मैं लिख दे रहा हूँ, बैक स्लैश आर था बैक स्लैश जेड, क्योंकि मैं पहले डिफाइन किया हूं ना, तो मुझे फिर से उनको लिखने की जरूरत नहीं है। बैक स्लैश के बाद मेरा क्या था, आर जेड क्यू हो गया, क्यू क्या सेट ऑपरेशनल नंबर, फिर मैंने बैक स्लैश नेचुरल नंबर को ले लिया, ठीक है। तो इस टाइप से इसको मैं कंपाइल एंड रन करके दिखा दे रहा हूँ, और ये सारे बोल्ड वाले हाइड हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली वैसे लिख रहे थे, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर नहीं लिख रहे थे, लेकिन जब ये वाला आप यूज करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आर जेड क्यू एन, इस टाइप से आप इनको यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा शेड्स दिखाने के लिए, बाकी प्रोबेबिलिटी वालों के लिए मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट में क्या करवाऊंगा आपका। जैसे कुछ लोगों का प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आया था कि इस टाइप की फ्रीक्वेंसी वगैरह, या फिर जैसे होता है ना ताश के पत्ते वगैरह में हो तो उसके सिंबल्स, तो जैसे अच्छा इन्फिनिटी के लिए एक इंटीग्रेशन में बहुत काम पड़ता था, मैं इन्फिनिटी वाला भी सिंबल दिखा दे रहा हूँ, उसके लिए आप तो यूज करेंगे बैक स्लैश आई एन एफ टी वाई, ठीक है, जैसे मैं पीछे भी यूज किया था इसको यूज कर सकते हैं। और एक काम पड़ता है फॉर ऑल का, तो आप उसके लिए यूज करेंगे बैक स्लैश फॉर ऑल, ये हो गया। एक काम पड़ता है बार बार हमें देयर एग्जिस्ट का, तो उसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली बैक स्लैश एग्जिस्ट ई एक्स आई एस एग्जिस्ट, ओके। इसी तरह हमें काम पड़ता है देयर नॉट एग्जिस्ट, तो उसके लिए यूज करेंगे एन एग्जिस्ट, एन मतलब नॉन और एग्जिस्ट का जो एज यूजुअल कमांड है ई एक्स आई एस टी एस, ये एरर शो करने लगा, इसका मतलब ये मेरे उसमें नहीं है, तो आप लोग अपना अपडेट कर लीजिएगा, अदरवाइज मेरी तरह एरर शो करने लगेगा। तो मैं इसको अभी कमेंट करूंगा क्योंकि पहले इसमें रेड दिखा दिया था ना, शायद रन भी कर सकता है, हमें नहीं पता, तो देखते हैं रन करेगा तो ठीक है, नहीं रन किया ना एरर आ गया ना, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज मेरे सिस्टम में अपडेटेड है ना। तो आप देखे रहे होंगे फॉर ऑल इन्फिनिटी देयर एग्जिस्ट, ये सारे सिंबल यहाँ पे अपियर हो गए हैं, ठीक है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार इस टाइप के सिंबल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत कुछ है तो मैं कितना बताऊं, चलिए मैं आपको जैसे कुछ प्रोबेबिलिटी वाला शो करना चाह रहा था ना, तो प्रोबेबिलिटी में मैं जैसे मान लीजिए मुझे क्लब बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या चिड़िया, तो उसके लिए मैं क्या बोलाऊँ क्लब, ठीक है, क्लब सूट यहाँ पे आ गया ऑप्शन, आप इस पर इंटर कर दीजिए। तो ये जो चिड़िया का पत्ता होता है ना क्लब का ताश के पत्ते में, ठीक है, ये उसका सिंबल बना देगा, ठीक है। और स्क्वायर के अब डायमंड मान लीजिए मुझे, ये इरर कहाँ शो कर रहा है, यहाँ पे लिख रहा है ना ये इरर, न्यू लाइन के पहले कोई वो नहीं है, तो इसको हमें बीच में गैप नहीं देना था न्यू लाइन से पहले, इसलिए ब्लू कलर में इरर शो करने लगा। आप मान लीजिए उसमें हर्ट का सिंबल बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, आपके प्रोबेबिलिटी वगैरह ऐसे बहुत सारे काम पड़ेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, बैक स्लैश हर्ट टी हर्ट लिखते हैं, देखिए हर्ट शूट आ गया, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी वाला है। आप मान लीजिए स्पेड बनाना चाहते हैं, ठीक है, मतलब वो पान का पत्ता जैसा होता है ना, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, स्पेड एस पी ए स्पेड शूट आ गया, आप डायरेक्टली सेलेक्ट कर लीजिए, आपको आधा याद रहेगा तो आप सिर्फ नाम याद हो ना, तो आप टाइप करेंगे तो अपने आप अपीयर हो जाएगा आपके सिस्टम में, ओके। और मान लीजिए आप डायमंड बनाना चाहते हैं तो बैक स्लैश डायमंड, ठीक है, बैक स्लैश डायमंड शूट। तो इस टाइप के आप जो भी आपको जितना भी दुनिया में सिंबल आप देखते हैं ना, हर सिंबल आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ सिंबल्स मैंने यहाँ पे आपको बना के शो कर दिया है, ठीक है, ओके, देख रहे होंगे, तो इस टाइप से आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर कोई होगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू।